मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग रूल डिटेक्शन करेंगे। अपन कॉज एंड इफेक्ट कर चुके हैं, अपन कोडिंग डिकोडिंग कर चुके हैं, अपन अल्फाबेट टेस्ट कर चुके हैं, अपन अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस कर चुके हैं, अपन फिर रूल डिटेक्शन करते हैं। आप बोलोगे सर आप तो बहुत रैंडम कर रहे हो, तो एग्ज़ाम में भी रैंडम ही आएगा, कोई सेम तो आएगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी हो रहा है कोर्स अपना कंप्लीट हो रहा है और आज अपन मिरर इमेज भी कर लेंगे, पर इस वीडियो में अपन रूल डिटेक्शन करते हैं, ठीक है। देखो रूल डिटेक्शन के अंदर एक बार मैं आपको मॉड्यूल दिखाता हूँ, मॉड्यूल में क्या चीज़ गिवन है। रूल डिटेक्शन होता क्या है, अभी आधे घंटे का वीडियो बनेगा शायद, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा और सारे क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे कि आपको फिर कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो एक बार क्वेश्चन का टाइप देखो, एक मिनट, क्वेश्चन के टाइप क्या है, आंसर को छोड़ो एक बार। क्वेश्चन इसमें क्या होता है कि चार ऑप्शन होते हैं, चार ऑप्शन के अंदर अपने कोई रूल गिवन होता है, उस रूल को फॉलो करके जो ऑप्शन सूटेबल हो वो अपन को इसमें मार्क करना होता है। तो देखो इसमें क्या रूल गिवन है, दो फिगर है, एक तो है अंदर वाली फिगर और एक है बाहर वाली फिगर। देखो क्लोज्ड फिगर बिकम्स मोर एंड मोर ओपन एंड ओपन फिगर बिकम्स मोर एंड मोर क्लोज्ड, ठीक है। अब देखना मेरी बात, क्लोज्ड फिगर बिकम्स मोर एंड मोर ओपन। क्लोज्ड फिगर का मतलब क्या हुआ, जो चीज़ क्लोज्ड है, देखो मेरी बात देखो, सुनना बहुत समझ में आएगा। देखो क्लोज्ड फिगर, इसमें क्लोज्ड फिगर कौन सी है, ये तो स्क्वायर तो अपने उन फिगर को अंदर के लिए दे रखे है, स्क्वायर को इग्नोर मारो, फिगर कौन सी है अभी देखो अपन बनाते हैं, ये ट्राइंगल देखना, समझ में आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा पर आ जाएगा, अपन समझ लेंगे इसको। ये फिगर है, ये फिगर है, ये फिगर है, ठीक है। तो बाहर की क्लोज्ड फिगर तो ये वाली है, क्लोज्ड फिगर ओपन हो रही है नहीं हो रही, देखो पहली आधी ओपन हुई, आधा गायब हो गया ना, ये आधा गायब हो गया, फिर आधा और गायब हो गया, फिर एक डंडा और गायब हो गया, मतलब चीज़ें ओपन तो हो रही है, कोई सीक्वेंस मेंशन नहीं है कि कैसे ओपन होनी चाहिए, चीज़ें ओपन हो रही है। तो अपना रूल नंबर, रूल में दो रूल गिवन है, क्या गिवन है, क्लोज्ड फिगर बिकम्स मोर एंड मोर ओपन। क्लोज्ड फिगर तो जो क्लोज्ड ना फिगर देखो वो तो ओपन हो रही है, और जो ओपन फिगर है वो क्लोज्ड हो रही है, तो क्लोज्ड फिगर तो अपना ये वाला रूल तो फॉलो कर रही है। अब इसके अंदर अंदर देखो एक और फिगर गिवन है जो कि ओपन है, अभी अपन इधर बना लेते, ये इधर है, फिर ये सॉरी ये आधा ही है, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है। अब खुद देखो ये जो ओपन फिगर है धीरे धीरे क्लोज्ड हो रही है नहीं हो रही, ये थोड़ी बड़ी फिर बड़ी फिर क्लोज्ड हो गई, तो अपने रूल वन भी फॉलो हो रहा है, रूल टू भी फॉलो हो रहा है, तो अपन को रूल को ऑब्जर्व करना है, रूल क्या बोलता है, और इन क्वेश्चन में अपन को कुछ भी नहीं करना। चलो इसका ऑप्शन टू देखते हैं, जो इसकी क्लोज्ड फिगर है ट्राइंगल वो ओपन हुई, पहले एक एक फिगर वाइज चलते हैं, दोनों को एक साथ लेके नहीं चलते हैं। पहले ट्राइंगल को देखो, ये ओपन हुई, अरे ओपन जहाँ पर यहाँ तक तो ओपन हुई, उसके बाद क्या हुआ, ये क्लोज होके इधर से ओपन होने लगी, ऐसा नहीं होता। कोई चीज़ अगर एक बार ओपन हो गई ना तो वो आगे तक ओपन होते हुए चलेगी, ठीक है। तो ये भी नहीं, और इधर इनमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। और इसकी अंदर की फिगर देखो, इसके अंदर की फिगर में भी कुछ ऐड नहीं हुआ, कुछ ऐड नहीं हुआ, यहाँ पर ऐड हुआ पर इधर ऐड नहीं हुआ, तो दोनों रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन तो आंसर हो गया, सेकंड ऑप्शन होगा नहीं। एक बार अपन स्टार्टिंग में सारे ऑप्शन वेरीफाई करते हैं कि ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों होगा। अब देखो ये वाला क्लोज्ड फिगर है ट्राइंगल, ये ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है तो एक डंडा गायब हुआ, दोबारा गायब हुआ, पर ये दोनों सेम है, देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा। मैं देखो बहुत ढंग से समझो, जितने क्वेश्चन करके आ जाएगा, जो अपना थर्ड ऑप्शन है, जो अपना थर्ड ऑप्शन है उसमें जो 1 2 3 4 थर्ड फोर फिगर है, उसमें जो चीज़ ओपन हो रही थी वो ओपन के बाद रुक गई, वो ओपन के बाद सेम रह गई। जो चीज़ ओपन हो रही है ना वो लगातार ओपन होनी चाहिए, देखो चाहे कितनी भी ओपन हो, ये आधा ओपन हुआ फिर आधा ओपन हुआ फिर पूरा एक डंडा गायब हो गया, चीज़ें ओपन हो रही है, इसमें ओपन
होते होते रुक गई, और जो चीजें क्लोज हो, जो चीजें ओपन फिगर थी, जिसको क्लोज होना था, इसको क्लोज होना था, इसको ऐसे ओके, ऐसे ओके और ऐसे कंप्लीट क्लोज होना था, ये भी नहीं हो रहा, तो आंसर थर्ड भी नहीं होगा। आंसर तो फर्स्ट होगा, पर अपन एक बार वेरीफाई कर रहे हैं, अपन एक बार वेरीफाई कर रहे हैं। इसमें ओपन फिगर क्लोज फिगर कौन सी है, ये सर्कल है, ये ओपन हो रहा है कहीं से, ओपन ही नहीं हो रहा, और जो अपनी ओपन फिगर है वो भी क्लोज नहीं हो रही किसी सीक्वेंस में, तो आंसर ये भी नहीं होगा। अब दोबारा देखो, आगे चलो, आगे चलो, इसमें क्या दे रखा है, इसमें इसमें रूल पढ़ो, सबसे पहले रूल पढ़ो, एन क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, एक बार रूल पढ़ो, फिर धीरे धीरे अपन अटेम्प्ट करना भी सीखते हैं। क्लोज्ड फिगर लूजिंग देयर साइड एंड ओपन फिगर गेनिंग देयर साइड, लूज और गेन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, जो क्लोज्ड फिगर है वो तो अपनी साइड से लूज कर रही है, और ओपन फिगर क्या कर रही है, साइड से गेन कर रही है, गेन बोले तो साइड ऐड हो रहा है। अब इसमें क्लोज्ड फिगर कौन सी है, ये वाला हेक्सागन है ना क्लोज्ड, ये जिसपे मेरी पेंसिल है, और ओपन फिगर अंदर वाली है, तो क्लोज्ड फिगर तो साइड लूज कर रही है, मतलब साइड कम हो रही है, चेक कर लेते हैं, एक साइड कम हुई, ठीक है, साइड कम हो गई, अरे ये तो साइड सेम ही है, तो मतलब आंसर नहीं होगा। आगे चलो, जो क्लोज्ड फिगर है उसको साइड लूज करनी है, रूल दो पार्ट में डिवाइड कर लो इसको भी, पहले रूल वन देखो फिर रूल टू देखो, तो पहले अपन रूल वन देख रहे हैं, क्लोज्ड फिगर वाला, क्लोज्ड फिगर अंदर वाली, ये तो चारों में ही सेम है, मतलब ये भी नहीं होगा। अब देखो, क्लोज्ड फिगर है, एक लूज हुआ, दूसरा डंडा लूज हुआ, और फिर तीसरा डंडा लूज हुआ, तो भाई लूज तो बाहर वाली कर रही है, रूल वन तो फॉलोड हो रहा है। अब रूल टू भी चेक करो, ओपन फिगर गेनिंग देयर साइड, ये ओपन फिगर है, इसमें एक साइड ऐड हुई, दूसरी साइड ऐड हुई, और तीसरी साइड ऐड, सही बात है, एकदम बढ़िया, रूल फॉलो कर रहे हैं, दोनों रूल फॉलो कर रहे हैं, तो आंसर अपना क्या हो गया, आंसर अपना थर्ड ऑप्शन हो गया, ठीक है, आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। ऐसे ही अपन को सारे क्वेश्चन रूल डिटेक्शन में करने हैं, इसकी अपन थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे, मेरे पास भी क्वेश्चन है, उनसे भी अपन इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, अभी कर लेते हैं। अब देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, द सीरीज बिकम्स मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एज इट प्रोसीड्स, इसका मतलब क्या हुआ, अपन ने क्लोज ओपन वाला देख लिया, कॉम्प्लेक्स हो रही है, कॉम्प्लेक्स बोले तो बहुत सारी चीजों का एडिशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों का एडिशन हो रहा है, कोई चीज़ें बढ़ रही है, कॉम्प्लेक्स बोले तो एडिशन हो रहा है, लाइनें बढ़ रही है, ठीक है। अब देखो मेरी बात, किन में लाइनों का एडिशन हो रहा है, इस फिगर और इस फिगर को कंपेयर करो, इस फिगर में तो पता लग रहा है कि ये वाली लाइन जो कि इस फिगर में थी वो ही काट दी, तो जो चीज़ पहले से है तुम उसको ही काट रहे, तो सीरीज कॉम्प्लेक्स कैसे होगी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें देखो, इसमें क्या करा इन्होंने, सबसे पहले तो एक लाइन ऐड करी, ये वाली लाइन का एडिशन हुआ है इसके कंपैरेटिव, अब इसको इससे कंपेयर करो तो तुम्हें पता लगेगा इस वाली लाइन का भी एडिशन हो गया, और फिर इसको इससे कंपेयर करो तो तुम्हें पता लगेगा एक पूरी ऐसे करके लाइन का एडिशन हो गया, मतलब सीरीज कॉम्प्लेक्स हुई है, हर बार एडिशन हुआ है, हर बार पुरानी चीज में नई चीज ऐड हुई है, तो इसका मतलब सीरीज कॉम्प्लेक्स इसमें हो रही है। इसको देखो, इसको देखने पर क्या पता लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो कॉम्प्लेक्स हुई, उसके बाद जो चीज़ें ऐड हुई ना, इधर का हिस्सा वो भी गायब हो गया, इधर का हिस्सा जो इनमें है ना, ये रहा वो भी गायब हो गया, और इसमें तो ये वाली चीज़ भी गायब हो गई, मतलब आगे बढ़ रही है तो ये सिंपलर हो रही है, दो चीज़ हो गई, कॉम्प्लेक्स का मतलब हुआ कि आगे बढ़ रहे हैं तो सीरीज में कुछ एडिशन हो रहा है, और सिंपलर का मतलब हुआ कि अपन सिंपलर इज इक्वल्स टू, अपन जब आगे बढ़ रहे हैं तो चीज़ों में डिक्रीज हो रहा है, चीज़ों में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ये तो हुआ प्लस और ये हुआ माइनस। नोट्स इसमें से बनाते जाओ जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यही चीज़ें आती है, तुम्हें रूल समझ में आना चाहिए, क्लोज्ड फिगर बिकम्स ओपन, ओपन फिगर बिकम्स क्लोज्ड, एज द सीरीज प्रोसीड द सीरीज बिकम कॉम्प्लेक्स, दैट इज देर इज ए एडिशन ऑफ वन और मोर थिंग, एंड एज द सीरीज प्रोग्रेस द सीरीज बिकम सिंपलर, दैट मीन्स देर इज अ सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट थिंग्स इन द सीरीज। तो ऐसे करके अपना आंसर क्या हो गया, बी हो गया, तो आंसर देखो बी है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है,
इसमें थोड़ा ऊपर कर दूं, हाँ थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अब देखो इसमें क्या लिखा है, ऑप्शन छोड़ो, अपन को ऑप्शन से मतलब नहीं है, आंसर से मतलब नहीं है। क्लोज्ड फिगर बिकम्स मोर एंड मोर ओपन एंड ओपन फिगर्स बिकम मोर एंड मोर क्लोज्ड, वही है। सबसे पहले अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एंड के आगे पीछे कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, क्लोज्ड फिगर बिकम्स मोर एंड मोर ओपन। क्लोज फिगर इसमें ट्राइंगल है, ये यहाँ पर ओपन हुआ, इधर ओपन हुआ, सही बात है भाई, ओपन हो रहा है। और ओपन फिगर बिकम्स मोर क्लोज, ओपन फिगर तो ये अपना एक लाइन है, ये देखो ये यहाँ पर, ठीक है, एक लाइन बढ़ी, हाँ एक और लाइन बढ़ गई, और एक और, अरे तो पूरा स्क्वायर रेक्टेंगल बन गया। तो मेरे हिसाब से तो आंसर होना चाहिए ए। अब इसको भी देखते हैं, क्लोज्ड फिगर बिकम्स ओपन, एक डंडे से ओपन तो वही, पर उसके बाद दूसरा डंडा हटा नहीं, फिगर को रिवर्स नहीं करना, फिगर को उल्टा सीधा करने से कुछ नहीं होगा, उसको ओपन बनाना है, एक और डंडा हटाना चाहिए था पर हटा नहीं, ठीक है। तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। इसमें क्लोज्ड फिगर कौन सी, रेक्टेंगल टाइप है, ये ओपन हुई, अरे ओपन होने के बाद फिर क्या हुआ, देखो ये जो चीज ओपन हो रही है इसको फिर तुमने रिवर्स कर दिया, ओपन तो और करा ही नहीं, पर तुम्हें तो लगातार ओपन करना है तब भी कोई चीज होगी, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद देखो ये अपना ट्रायंगल है, ये ओपन हुआ, यहाँ पर भी ओपन का हुआ, यहाँ पर एक डंडे की कमी थी, इधर भी एक डंडे की कमी, ओपन का कर रहे हो तुम फिगर को, तुम फिगर को रिवर्स कर रहे हो, तो आंसर अपना ए ही होगा। ये तो मैंने आपको आगे सिखाने के लिए बताया कि आगे वाले आंसर क्यों नहीं होगे। तो 3 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अब अपन आगे चलते हैं, मेरे को पता है पहले ही आंसर देख लिया तुम लोगों ने, पर कोई नहीं, आंसर से कोई मतलब ही नहीं हमें। ओपन फिगर बिकम्स मोर एंड मोर क्लोज एंड क्लोज फिगर बिकम्स मोर एंड और मोर ओपन, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। ओपन फिगर तो क्लोज हो रही है, ओपन फिगर कौन सी है इसमें, ये वाली है ओपन फिगर। ओपन और क्लोज का मतलब समझ में आता है ना, क्लोज बोले तो एकदम बंद है और ओपन बोले तो खुली है, फिगर खुली है, कहीं से भी एंट्री फिगर में कर सकते हो। ओपन फिगर में कहाँ से एंट्री करोगे जब सारी चारों तरफ से बंद है। तो देखो ओपन फिगर क्लोज, क्लोज्ड देखो यहाँ से यहाँ तक क्लोज्ड हुई, पर इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, चीजों को रिवर्स करने से कुछ नहीं होता। एक और डंडा, चाहे एक डंडा हटाओ चाहे आधा डंडा हटाओ, डंडा तो तुम्हें हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। ओपन फिगर बिकम्स मोर एंड मोर क्लोज्ड, ओपन फिगर कौन सी, ये क्लोज्ड हुई पर ये दोबारा ओपन हो गई, ये क्या वो कुछ भी चल रहा है क्या, ये भी नहीं होगा आंसर में, ये भी नहीं होगा। 2 मिनट के क्वेश्चन है, अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना 2 मिनट में सारे क्वेश्चन कर दोगे। ओपन फिगर कौन सी, ये एक लाइन है, इसमें एक डंडे का एडिशन हुआ, फिर ये वाला डंडा का भी एडिशन हो गया, और फिर ये वाले डंडे का भी एडिशन हो गया, और ठीक है रूल 1 फॉलो कर रहा है। रूल 2 क्या है, क्लोज्ड फिगर ओपन हो रही है, दोनों रूल चेक करने हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जिसमें एक रूल फॉलो कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा। तो देखो क्लोज्ड फिगर बिकम्स ओपन, एक डंडा, 4 डंडे थे, 3 डंडे रह गए, 2 डंडे रह गए, एक ही डंडा रह गया, तो आंसर क्या हो गया अपना, आंसर हो गया अपना सी, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, देखो आगे चलो, फिफ्थ एक बार छोड़ो, फिफ्थ वाला भी बताएगी अपन, पहले एक बार सिक्स चलते हैं। सिक्स में क्या लिखा है, आउटर शेप डिसअपियर्स ग्रेजुअली व्हेन द इनर शेप अपियर्स स्लोली, वही चीजें लिखी है यार, अंदर आउटर शेप बोले तो बाहर वाली गायब होगी, ये बाहर वाली है इसमें गायब हो रही है, इसमें गायब हो रही है, इसमें गायब हो रही है, और अंदर वाली ऐड होगी, इसमें कुछ एडिशन हुआ, इसमें एडिशन हुआ पर इसमें गायब हो गया, सीरीज में होता है इसमें भी कुछ एडिशन होना चाहिए था तभी जाके होता, पर ये तो पुरानी वाली को ही गायब कर रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। बाहर वाली चीज गायब होगी, बाहर वाली चीज गायब हुई, गायब हुई, गायब हो रही है, अंदर वाली चीज ऐड हो रही है, ऐड हो रही है, आंसर क्या हो गया, आंसर अपना बी हो गया, ठीक है। अब देखो मेरी बात, इस रूल 5 में क्या दे रखा है, रूल ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये क्वेश्चन अलग कैसे, ऊपर पढ़ो, ऊपर क्या लिखा है, इफ द गिवन रूल इज अप्लाइड टू द फिगर एक्स, ये फिगर एक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग 1 2 3 4 5 वुड बी द राइट आंसर, मतलब इस पे अपन को एक रूल लगाना है, उससे अपन को एक राइट आंसर लगाना है, राइट आंसर लाना है। तो इसमें कोई 4 वाले सीक्वेंस नहीं देखनी, 1 2 3 ऑप्शन है इसमें से कौन सा राइट है, अगर वो रूल इस पे लगाएंगे, द कर्व्स टर्न देम इनटू स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन टर्न्स देम इनटू कर्व, कर्व तो स्ट्रेट लाइन में बन जाएगी और जो स्ट्रेट लाइन है वो कर्व में बन जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन है और ये कर्व है, तो ये क्या बोल रहा है, ये तो कर्व में बन जाएगी और जो बाहर जो कर्व है ना वो स्ट्रेट लाइन में बन जाएगा, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा अपना बी, समझ रहे हो। दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, नहीं समझ में आया तो,
कर्व बोले तो सर्कल, सर्कल तो बन जाएगा स्ट्रेट लाइन में, सर्कल तो बन जाएगा स्ट्रेट लाइन में, और ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है ये कर्व्ड में बन जाएगी, मतलब अंदर वाली चीज तो सर्कल में बन जाएगी और बाहर वाली चीज हमारी ट्राइंगल, ट्राइंगल तो क्या रेक्टेंगल स्क्वायर मान लो, उसमें बन जाएगी। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया बी। ठीक है, तो अपन ने ये कर लिया। एक बार आगे चलो, अब देखो इसमें क्या लिखा है, द एरोज ऑफ द गिवन सीरीज कैन बी कंबाइंड विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। देख लेते हैं, एरोज को कंबाइन करना है सो दैट दे फॉर्म अ, देखो इसमें हर चीज ऑब्जर्व करने की है, हर चीज ऑब्जर्व करने की। वो क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ये दो तीन क्वेश्चन ही थोड़े टिपिकल टाइप है कि जो तुम एक बार देख लोगे ना तो एग्जाम में पक्की बात है क्लिक कर जाएगी, घबराने वाली बात नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, अगर कुछ पढ़ के नहीं जाऊँ ना और पेपर में अगर दिमाग से अटेम्प्ट करो तो सब हो जाएगा, पर अपन को रिस्क नहीं लेनी। ठीक है, रिस्क नहीं लेनी, अपन सब कुछ करके फिर जाएंगे पेपर में। ठीक है, अब देखो, द एरोज ऑफ द गिवन सीरीज कैन बी कंबाइंड विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। ये बोल रहा है ऐसा एरोज, एरोज से क्या ऐसा बनेगा जिससे कि एक मीनिंगफुल सीक्वेंस बने, अगर उनको कंबाइन करे तो, अगर उनको कंबाइन करे तो एक मीनिंगफुल सीक्वेंस बने। देखो इसको कंबाइन करा, कंबाइन कर रहा हूँ मैं सबको उसी डायरेक्शन में कंबाइन कर रहा हूँ, तो ये कुछ बन तो रहा है। आगे चलो, आगे वाले को सब ऊपर है, फिर नीचे है, फिर दोबारा दोबारा नीचे है और दोबारा उधर है। अब इसके ऊपर चलो, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ऐसे एरोज बन रहे हैं। ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, तो हमने सारे एरोज को कंबाइन कर दिया एक सेंटर पॉइंट मान के। तो हमें क्या पता लगा यार, ये तो कुछ बताता है, ये तो कंपस होता है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ये तो, ये भी कुछ नहीं बताता, ये भी कुछ नहीं बताता, ये भी कुछ नहीं बताता। तो आंसर क्या हो गया? ये एक दो क्वेश्चन इस टाइप के देखोगे तो समझ में आ जाएगा, जैसे अपन ने वो देख लिया वैसे आंसर हो गया अपना ये। अभी मैं आपको और कराऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं, एक बार मेरे साथ कर लो। ठीक है, अब देखो वही बात है, क्लोज्ड फिगर ओपन हो रही है एंड ओपन फिगर क्लोज्ड हो रही है। क्लोज्ड फिगर कौन सी है इसमें? क्लोज्ड फिगर तो ये वाली है, इसको तो कुछ भी नहीं हो रहा तो ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद तो देखो, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्लोज्ड फिगर हमारी ये दोनों है, इन दोनों को देखो, ये वाला ओपन हो रहा है, ओपन हुआ, ओपन हो रहा है, हो रहा है, कुछ ना कुछ पार्ट ओपन हो रहा है। इसमें भी देखो ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है, फिर ओपन हो रहा है, तो मतलब पहला वाला रूल सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा रूल क्या है, ओपन फिगर बिकम मोर एंड मोर क्लोज्ड, क्लोज हो रही है, कुछ एडिशन हुआ चाहे आधे लाइन का ही हो, एडिशन एडिशन है और ये एडिशन हो गया, तो आंसर क्या हो गया? आंसर अपना ये हो गया। अब इसके आगे में चलो, इसके आगे में क्या है, क्लोज्ड फिगर बिकम्स मोर एंड मोर ओपन, यहाँ पर ओपन हुई पर यहाँ दोबारा क्लोज्ड हो गई, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखो क्लोज्ड फिगर ये है, ये ओपन हुई, ओपन हुई, ओपन हुई, बढ़िया तरीके से ओपन हुई यार ये तो, पर ये वाली ओपन नहीं हो रही, सारी फिगर होनी चाहिए। ठीक है, तो अपना आंसर वो भी नहीं होगा, और तीनों तो इसमें क्लोज दिए हैं, कोई ओपन फिगर है ही नहीं, तीनों क्लोज्ड और तीनों ओपन होनी चाहिए पर तीनों ओपन नहीं हो रही, तो आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया अपना ये। 8th भी कर लिया, दो और कर लेते क्वेश्चन तो अपनी मॉड्यूल हो जाएगी, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। देखो 9th वाले में वही है यार, वही ओपन क्लोज का है कि कौन सी क्लोज थी फिर बाद में ओपन हो रही है। क्लोज ये है, क्लोज तो दोनों है, क्लोज तो दोनों है। क्या पढ़ा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज इनिशियली एंड विल बी ओपन ग्रेजुअली एंड विच ओपन फिगर विल बी क्लोज। ठीक है, तो क्लोज फिगर तो ये खुली, ये खुली पर ये दोबारा, देखो इसमें बाहर कितने दो डंडे हैं पर ये बाहर कितने तीन डंडे आ गए, तो ये तो नहीं होगा, खुलती खुलती फिर दोबारा आप क्लोज हो गई। अब इसको देखो, ये खुली पर, खुली पर ये और ये तो सेम ही है, इनमें इसका ही तो गैप है, तो ये आगे जाके ओपन नहीं हो रही प्रॉपरली, ये क्लोज्ड फिगर है, एक डंडा हटा, दो और डंडा हटा, हाँ ये वाली ठीक है, और अंदर वाली देखो, एक डंडा था, दो डंडा आ गया, तीन डंडा आ गया, चार डंडा आ गया, आंसर क्या हो गया? फोर हो गया, समझ में आ गया। अब ये लास्ट टाइप देख लो, देखो एक टाइप तो हो गया हमारा क्लोज ओपन वाला, क्लोज ओपन वाला हो गया हमारा एक टाइप। इसके बाद हमारा टाइप हो गया जिसमें कि एक ही फिगर दी होती है और उसमें अपन को रूल लगा के उसको करना होता है, वन फिगर ओनली।
ठीक है, एक अपना एरो वाला हो गया कि अपन ने एरो को कंबाइंड कर लिया, एरो को कंबाइंड कर लिया। और ये वाला टाइप कौन सा है? ये वाला टाइप वो वाला है जिसके अंदर अपन को रिट्रेस करना है, रिट्रेस करना है, अभी मैं बताता हूँ, रिट्रेसिंग करनी है। ठीक है, ये चार टाइप में आपका रूल एंड डिटेक्शन वाला क्वेश्चन कंप्लीट है। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन है अपना। इसका मतलब काफी लोग नहीं समझ पाते। सिंगल अनब्रोकन लाइन कैन बी ट्रेस एनी फिगर इन द सीरीज विदाउट रिट्रेसिंग। इसका मतलब रट लो, इसका मतलब ये है कि इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसमें सारी फिगर एक लाइन में बन सकती है। एक लाइन बोले तो जो ट्राइंगल है वो एक, सॉरी सॉरी सॉरी, उसको हिलाने के लिए एक मिनट रुको, मैं कहाँ से देखूँ, चलो इसको ऊपर मैं करता हूँ, एक मिनट रुको। हाँ तो देखो दिख रहा है ना, ये जो ट्रायंगल है इसको मैं ऐसे ऐसे एक बार में बना ली। ठीक है, और देखो इस वाली फिगर को देखो, ये फिगर अपनी ऐसे है, इसको मैं एक बार में बनाने की कोशिश करता हूँ, मतलब बिना पेंसिल को उठाए बनाने की कोशिश करता हूँ और बिना एक लाइन के ऊपर रिपीट करे। देखो यहाँ से ऐसे गया, फिर दोबारा मेरे को इस लाइन पे आना पड़ेगा तभी ये लाइन बनेगी, मतलब इस लाइन को रिट्रेस करना पड़ेगा, इस लाइन को पे दोबारा अपनी पेंसिल चलानी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बोलता है कि एक ही बार में कौन सी फिगर बन सकती है। ठीक है, अब इसके बाद चलो तो ये वाला तो बनेगी नहीं, तो इसका मतलब ये होगा ही नहीं। इसके आगे चलो, क्या ये वाली फिगर बन सकती है, देख लेते हैं। मैं ऐसे गया ऐसे गया, अरे फिर ये लाइन कैसे बनाऊं, लाइन के लिए मेरे को पेंसिल उठानी पड़ी, वो भी नहीं कर सकता। चलो मैं पीछे जाके करता हूं, अरे पर इस लाइन पे तो मैंने दो बार पेंसिल चला दी, वो भी नहीं कर सकता। मेरे को तो वन गो, इन अ वन गो वी नीड टू मेक दैट फिगर विदाउट लिफ्टिंग आर पेंसिल एंड विदाउट रिट्रेसिंग द सेम लाइन। दोबारा उसी लाइन को अपन को ड्रॉ नहीं करना, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब अपन इसको देखते हैं, स्टार तो अपन बचपन से बना रहे हैं बिना पेंसिल उठाए हुए, तो इस ये वाला हो गया। अब ये वाली चीज देखते हैं, ये वाली बन जाएगी क्या? देखो मेरी बात, ये अभी तक तो बन रहा है भाई, इसको भी देखो मेरी बात, ये बनेगा कैसे बनेगा मैं बताऊँ। देखो ये ऐसे ऐसे पेंसिल नहीं उठाई, पेंसिल नहीं उठाई, ना रिट्रेस करा, ना रिट्रेस करा, बनाया नहीं बना। इसकी भी ट्रिक है, इसको भी बनाना आना चाहिए, टेक्निक है बनाने की। ठीक है, पर मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये वाला, आप अगर गूगल पे भी सर्च मारोगे ना रिट्रेसिंग में, तो ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि स्टार स्क्वायर ट्राइंगल तो सब कर लेते हैं, ये वाली फिगर हो सकती है पर ये वाली फिगर नहीं होगी। अब देखो इसको देख लेते हैं, ये बिना पेंसिल उठाए हो सकती है क्या? देखो मेरी बात, बाहर हवा चल रही है, प्लीज इग्नोर। देखो यहां तक आया, अरे हो गया, समझ गए, बस ये वाला रट लो। ठीक है ना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि हमें बिना पेंसिल उठाए एक लाइन को दोबारा पूरी फिगर को ड्रॉ करना है। तो अपने मॉड्यूल के 10 on 10 क्वेश्चन हो गए, अपने मॉड्यूल के 10 on 10 क्वेश्चन हो गए, हमको समझ में आ गया। अब 5 से लेके 6 क्वेश्चन और मैं फटाफट डिस्कस करूंगा, मैं स्लो डिस्कस नहीं करूंगा। इसमें क्या है, वो ये ओपन फिगर बिकम क्लोज, क्लोज फिगर बिकम ओपन, ये वाली है, ये यहाँ से खुली, ये दो खुल गया, ये उसके बाद एक और लाइन गायब हो गई, और ये वाली ये क्लोज हो रही है, क्लोज हुई, क्लोज हुई, क्लोज हो रही है, आगे देख लिया, आंसर हो गया ये, फटाफट करूंगा वही है क्वेश्चन। अब देखो ये वाली कॉम्प्लेक्स का अपन ने कर लिया, सिंपलर बोले तो लाइन कम हो रही है, लाइन कम कैसे हो रही है, इसमें देखो इसमें इसमें क्या हुआ, इसमें तो लाइन का एडिशन हो गया, इसमें तो लाइन का एडिशन हो गया, ये नहीं हो सकता। अब उसके बाद इसको देखो, इसमें क्या हुआ, इसमें कितनी लाइन है, देखो 1 2 3 4 5 6 लाइन है, इसमें 3 ही लाइन है, और फिर दोबारा एडिशन, तो ये भी नहीं हो सकता। अभी देखो, अरे ये रहा, मिल गया, दिखते ही मिलेगा कौन सी चीज सिंपलर हो रही है। ये अपना स्क्वायर और ये अपना आधा हेमिस्फेयर मान लो, ये यहाँ से हट गया, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन जो पहले ऐसी थी ना डॉट डॉट वाली, वो कम हो गई, और बाद में तो ये वाली लाइन कम हो गई, तो इसमें हमारी फिगर सिंपलर हो रही है। तो आंसर क्या हो, सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया अपना, सी, क्योंकि ये चीजें गायब हो रही है, वीडियो पॉज हो गई थी, तो सेकेंड क्वेश्चन अपन ने कर लिया। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, एज द स्क्वायर डिक्रीज इन साइज
इट्स पार्ट इंक्रीजेस, पार्ट बोले तो अंदर का कंटेंट इंक्रीज हो रहा है। कंटेंट कैसे देखेंगे, पहली बार स्क्वायर डिक्रीज हो रहा है, स्क्वायर डिक्रीज हो रहा है, स्क्वायर डिक्रीज हो रहा है, स्क्वायर सब में डिक्रीज हो रहा है, तो पहली वाली कंडीशन तो हो गई। अब पार्ट इंक्रीजेस, अंदर का कंटेंट इंक्रीज हो रहा है। जैसे दो लाइन थी अंदर, अब कितनी हो गई, एक दो तीन चार हो गई, अब कितनी है, दोबारा तीन हो गई, मतलब इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हो गया, तो ये नहीं होगा। अब कितनी है, एक, अब कितनी है, एक, अब कितनी है, दो, अब कितनी है, दो, तो नहीं होगा। लाइन देख लो ना, बात तो एक ही है, लाइन देखो या कंटेंट देखो, वैसे कंटेंट देखना तो वैसे देख लो। अब देखो इसमें एक लाइन है, दो लाइन है, एक दो तीन लाइन है, और इसमें एक दो तीन चार पाँच लाइन है, तो ये आंसर हो गया। इसमें एक लाइन है, दो लाइन है, दो के बाद अपनी एक दो तीन चार, एक मिनट रुको, एक दो तीन चार, इसमें एक दो तीन, बड़ी फिर डिक्रीज हो गई। समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट को यार, कॉन्सेप्ट समझ लो बस, कि पार्ट इंक्रीज होने चाहिए, अंदर की लाइनें बढ़नी चाहिए। साफ साफ वैसे दिख भी रहा है कि इसमें ही लाइनें बढ़ रही है, क्योंकि इन दोनों में तो आते ही वो थोड़ी कम हो जाती है, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है लाइन के। डेंसिटी तो थोड़ा हाई लेवल वाला वर्ड हो गया, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लेक्स का मैंने बता दिया, कॉम्प्लेक्स मतलब बढ़ती जा रही है सीरीज में कुछ ना कुछ एडिशन होता जा रहा है जब अपन आगे चल रहे हैं। तो देखो मेरी बात, इसमें एडिशन हो रहा है, इसमें एडिशन हो रहा है, पर दोबारा एडिशन का हो रहा है, तो बल्कि इसको हटा दिया। कोई चीज़ हो रही है तो लगातार होनी चाहिए, ऐसा नहीं पहले हुई फिर हटा दिया फिर हुई, तो इसलिए आंसर ये नहीं होगा। इसमें एडिशन हुआ, एडिशन हुआ, इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों में तो कोई फ़र्क ही नहीं है, उल्टा कर रखा है सिर्फ चीज़ों को, तो इनमें कोई फ़र्क ही नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो मेरी बात, इसमें एडिशन हुआ, इन दोनों के कंपैरेटिव में ये दो गोले एक्स्ट्रा है, हाँ एडिशन हो रहा है, ठीक है, फिर ये दोनों गोले भर गए, एडिशन हो रहा है, पर इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों में भी दोनों गोले भरे और दोनों गोले भरे, अगर ये एक और गोला भर जाता ना, तीन गोले भरे हुए हो जाते और इसमें दो ही होते तो अपन इसको आंसर कर देते, पर रियलिटी में क्या है, रियलिटी में ये दोनों सेम ही है, बस इन दोनों को उल्टा सीधा कर रखा है, तो किसी नई चीज़ का एडिशन नहीं हो रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें देखो एक गोला है, इसमें दो गोले हो गए, इसमें तीन हो गए और इसमें चार हो गए, तो किसी चीज़ का एडिशन हो रहा है, मतलब सीरीज कॉम्प्लेक्स हो रही है, तो आंसर क्या हो गया अपना, फोर हो गया, ठीक है। अब आगे चलो, अ सिंगल लाइन कैन बी रिट्रेस्ड वाला क्वेश्चन मैंने कहा बहुत कॉमन है, ये रिट्रेस्ड वाला आएगा तो यही आएगा, तो एक बार देख लेना, बहुत इजी है। स्टार को अपन रिट्रेस कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, बिना लाइन बिना पेंसिल को उठाए अपन उसको ड्रॉ कर सकते हैं, और बिना किसी लाइन को पे रिपीट करे हुए कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी एक्चुअली अपन कर चुके हैं शायद, ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो गए। देखो कुछ नया होता तो मैं बताता हूँ, क्लोज्ड फिगर बिकम्स ओपन, ओपन फिगर बिकम क्लोज, ये कर लोगे तुम लोग, ओपन फिगर बिकम क्लोज्ड, क्लोज्ड फिगर बिकम्स ओपन, ये वाला भी कर लोगे, ये वाला भी अपन ने कर लिया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। एक मिनट रुको, ये वाला क्वेश्चन का रूल, अब सॉरी इसके रूल है ना, इसके रूल कहाँ है इसका, द इमेज बिकम सिंपलर, इमेज बिकम सिंपलर एज इट प्रोसीड्स, सिंपलर हो रही है, तो देखो मेरी बात, ये दोनों तो सेम है, तो सेम तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, ये भी नहीं है, इसमें अंदर वाली चीज़ सिंपलर हुई, सिंपलर हो रही है, सिंपलर हो रही है, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ये, क्योंकि इसमें चीज़ें सिंपलर हो रही है, ठीक है। आगे चलो, आगे चलो, क्या है, द इमेज रोटेट्स 45 डिग्री एज इट मूव्स वन स्टेप फॉरवर्ड टूवर्ड्स द राइट, मतलब अब आगे चल रही है और 45 डिग्री मूव कर रही है, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, पर टेक्निकल को भी अपन कर लेते हैं। 45 डिग्री का मूवमेंट आ रहा है, देखो देखो मेरी बात, 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, ये होता है अपना 90 डिग्री, ये डिस्टेंस होता है 90, ये डिस्टेंस होता है 90, तो इसका जो आधा होता है ना, ये होता है 45, मतलब इतना इतना मूवमेंट होना चाहिए, इतना इतना, तो ये चीज़ यहाँ पर है, ये चीज़ इधर आ गई, तो ये इतना मूवमेंट करके आई, इतना मतलब यहाँ से ऐसे हुई, फिर यहाँ से ऐसे हुई, और फिर यहाँ से ऐसे हुई, ये समझ में नहीं आया तो इग्नोर मानना, इतना तो आने नहीं वाले, पर 45 डिग्री अपन को साफ साफ इसमें लग रहा है, ठीक है, कि ये 45 डिग्री है, क्योंकि 45 बोले तो ऐसे, ये ऐसे थी ऐसे हुई, ऐसे हुई ऐसे हुई, ठीक है, तो ये भी अपन कर लेंगे।
अब बाकी क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, उसको कर लेना। अपन ने सारी चीजें कर ली है, कुछ क्वेश्चन खुद भी करोगे तो माइंड खुलेगा। मैं ये वाले जो 15 क्वेश्चन जो मेरे पास है उसमें हो सकता है काफी रिपीट हो सकता है कुछ हो, तो मैं ये आपको भेज दूंगा। तो अपन ने रूल डिटेक्शन कर लिया, सारी चीजें समझ ली, थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो तो बता देना, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक दे रखा है, उससे अपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, उसमें सारे नोट्स और अपडेट होते रहते हैं। हम धीरे धीरे सिलेबस अपना कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज यार सब्सक्राइब और लाइक कर देना, उससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, थैंक यू।